जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप एक ऑर्डिनरी केचप बॉटल को बना सकते हैं पाब्लो एस्कोबार की पेंटिंग, नहीं पाब्लो एस्कोबार नहीं, बॉब रॉस जैसी पेंटिंग में। ये गाइस वेलकम बैक टू, आज का वीडियो होने वाला है कांच का बॉटल पेंट करने में, क्योंकि स्कूल का प्रोजेक्ट मिला है। और एज यूजुअल मतलब क्रिएटिविटी मेरा रात का 1 बजे जागता है, तो प्लान ये है कि इसको पेंट करना है। और टेक्सचर बहुत इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो एक ही बार में पेंट बैठेगा नहीं, तो इसके ऊपर पहले वाइट एक प्राइमर पेंट मारना पड़ेगा एक्रेलिक का। उसके बाद सोच रहा हूँ कि क्या डिज़ाइन बनाऊँ, तो तब तक एक वाइट बेस कोट मारते हैं। बेस कोट करने के बाद काफ़ी हद तक एक कैनवस मिल गया है पेंट करने के लिए। टेक्सचर थोड़ा बहुत रफ है, बट ये रफ टेक्सचर का एक एडवांटेज है कि अगर ऊपर से लाइट देंगे तो ये टफ रफ रफ टेक्सचर में लाइट और उसका फाइबर्स बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर हम इसमें झाड़ पत्ती भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अब झाड़ पत्ती का कलर भी सोचना पड़ेगा, और ये शायद कल बनाए क्योंकि अब सो जाएंगे हम। One eternity later. So, everything remains same except my face. ठीक छोड़, कट। ठीक है, बॉटल रेडी है। और डे टू, अब इसमें बनाना है पत्ता। सोच रहे दो पेड़ बनाए, एक पिंक और एक ग्रीन। तो वो देखते हैं कि इसमें सादा कलर बैठेगा नहीं, सीधा कलर से शुरू करता है। सो जस्ट फॉर द बेस फॉर द ट्री आई यूज्ड लेमन येलो, और इसको धीरे धीरे टैप करके पेड़ का एक फॉर्म में बनाना है, बड़ा से छोटा। और पेंट को ड्राई रखना है, अगर ड्राई नहीं हुआ तो ये नीचे का जो वाइट बेस कोट है वो निकल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पहला बार एक बार ट्राई कर दिया है और वो बहुत खराब हुआ था इसीलिए। ये अच्छा लग रहा है अभी डार्क शेड देने के बाद, थोड़ा बहुत और डिटेल होगा वो आ जाएगा। अब स्काई पेंट करते हैं। स्काई में आई विल यूज स्काई ब्लू, और उसके बाद थोड़ा सा प्रशियन ब्लू से हल्का फुल्का शेड। बॉटल के हिसाब से दो पेड़ इज इनफ, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से ख़त्म। कोई नहीं, अभी हो जाएगा, सुंदर लगेगा। सो ट्रंक बनाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। हमको पता है कि ट्रंक थोड़ा ज़्यादा मोटा बन गया है, बट कोई नहीं, उसको ब्लैक से थोड़ा फिक्स कर देंगे। तो अब जो नीचे जो बुशेज है ना, उसमें थोड़ा सा फ्लावर्स ऐड करने के लिए आई यूज सम क्रिम्सन, और ये ऑरेंज का एक शेड है, क्योंकि ब्राइट फ्लावर्स ही बेटर लगेगा और ये स्पॉन्ज से नहीं होगा, तो इसको ब्रश से ही हल्का डॉट करके बना देंगे, तो एक थोड़ा सा कैची हो जाएगा ये पेड़ प्लेन पेड़ से। तो वेट, इससे पहले कि आप सोचें कि मैंने वो आसमान में ऑरेंज से क्या किया, तो मैं बता दूं कि ब्लू कलर का आसमान बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहा था, तो आई थॉट उसको सनराइज वाला इफेक्ट देते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऑरेंज से, और ऑरेंज भी बना नहीं था वो, थोड़ा क्या बोलूँ उसको, एक येलो का शेड में था। तो स्टार्ट करने के बाद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट उसके बाद थोड़ा करके मैंने किया, बट मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि उड़ गया था माथा कि कैसा बनेगा, ख़राब हो गया या ऐसा कुछ, इसीलिए। Now I know that I messed up a little, but
पर ये अच्छा लग रहा है, लाइक हम इसको सनराइज वाला फील देना चाहते थे, थोड़ा सा डार्क हो गया, बट कोई नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है, अभी सुंदर लग रहा है, ऐसे भी यार मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग इट। One eternity later. ओके गाइस, सो इट्स द थर्ड डे, बॉटल रेडी हो गया है, और कल का वीडियो के बाद आई जस्ट मेड अ सन हियर, सनराइज कर दिया मैंने, और अभी इसके ऊपर क्लियर कोट मारना है, और यहाँ पे गिर गया। तो क्लियर कोट करने के लिए यूज़ करेंगे एशियन पेंट्स का, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में, बट इसका एंड रिजल्ट अच्छा ही है मैट ग्लॉस में। पेंट में अलग ही शाइन आ गया, देख सकते हो जैसे क्या मस्त लग रहा है, पर लाइक थोड़ा सूखने में इसको टाइम लगेगा, पर ये बहुत अच्छा, धूप में तो और भयंकर चमक गया, देखो ये है क्लियर कोट का जलवा। अब इसको सूखने देते हैं मस्त, ये एक ही कोट लगेगा शायद, दो कोट का ज़रूरत नहीं है इसका, पेंट सील करना था इसका मेन मोटिव।